इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके लॉबियस जो हैं वो यूएन में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुलभूषण का मामला हो चाहे तो ये एक साफ है कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर अंदर हमारे लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो कि सबसे बाहर निकले हैं दुनिया, हमें दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमें कुछ डॉलर्स दे दो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर से बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, डिफॉल्ट के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है, और उसके बाद हम लोग किसी को ये कह देंगे कि भाई हमारी रीजंस के ऊपर आप इसको टेररिस्ट करा दे, तो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क लाइक दैट। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाके चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि इंडिया भारत एक आतंकवादी देश है, भारत को आतंकवादी देश घोषित कर दो, लेकिन जब भी पाकिस्तान ये बात करता है कोई ना कोई कंट्री उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो पाकिस्तान के लोगों से जानने वाले हैं उनके रिएक्शन जब वो यूएन में जाते हैं और इंडिया को एक टेररिस्ट मुल्क घोषित करने की बात कहते हैं, तो कैसे उनकी बेइज्जती हो जाती है और कैसे उनको बुरी बुरी बातें सुनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ऐसी आपके नजदीक क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान कितनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रीजन देने के बावजूद भी यूएन की 5 कंट्रीज इंडिया की हमायत में खड़ी हो गई? उसकी सबसे बड़ी वजह तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके लॉबियस जो हैं वो यूएन में और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जो लॉबियस हैं वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, अगर वो रहे भी हैं तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। हुसैन अकानी एक एग्जांपल हैं जो कि इंडिया की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तशख्स दुनिया में उभारना है और वहाँ के जो अमेरिकन सैनिटर्स हैं उनको कन्विंस करना है ताकि अमेरिका हमारी सपोर्ट में आ सके। अब ये देखें, ये अब टेररिस्ट हैं एक, अब उनका साफ पता है पाकिस्तान में उन्होंने एक दहशतगर्दी के एक हमले में इन्वॉल्व, उसमें 160 पाकिस्तानी शहरी उसमें मर गए थे, तो ये उनके बाद तो कोई इसमें शक नहीं रहता। कुलभूषण का मामला हो चाहे तो ये एक साफ है कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर अंदर हमारे लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो कि बेसिकली पता भी लग गया था जब ये कुलभूषण वाले मामले में भी। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो सॉफ्टली भी काम कर रही हैं उन पर ब्लेम लगता है तो उनको फौरन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काउंट कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक इंडिविजुअल का नाम तक जो है वो नहीं टेररिस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करवा पा रहा। और TTP तो एक प्योरली ग्रुप ही उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, वरना आप बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जो इतना असलाह, जदीद किस्म का असलाह जो बलोच जो लिबरेशन वाले हैं वो चला रहे हैं, वो असलाह कहाँ से आया है, वो किसने स्पॉन्सर किया है? और ये कोई 1-2 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों रुपए की बात है, और अरबों रुपए कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर तो हो रहे हैं। और इनकी जो लीडरशिप है बलोच लिबरेशन की वो UK में बैठी हुई है, और UK में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान फ्री के नारे लगाए गए हैं, उनके बैनर्स लगाए गए हैं, हेलीकॉप्टर तक पे चलाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ी डज है एक, और पाकिस्तान को इस पर फोकस करना चाहिए। सना, ये एक रीत चली आ रही है और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बहुत ही पुरानी है। पाकिस्तान को हमेशा से ही जो आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिश की गई है, और रिसेंटली जैसे FATF है इसको भी लेकर, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को, हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, हमारे मुल्क के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, हमारी चीज़ें जैसे कि आगे की जाने बढ़ रही होती हैं, इस तरह की चीज़ें जब पैरेलल चल रही होती हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। यूनाइटेड नेशंस में कुछ लोग अगर हमारा साथ दे रहे होते हैं तो दूसरी जानिब जो ये दुनिया के जो बड़े चौधरी हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे निकले आगे बढ़े, वो हमेशा से ही इंडिया की तरफदारी करते आए हैं। और इंडिया को लेकर हमारे कुछ ऐसे, मतलब इंटर कंट्री जो है, हमारी कुछ चंद चीज़ें हैं जो उनको जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। उस्मान, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान कितनी सॉलिड रीज़न देने के बावजूद भी 5 कंट्रीज जो है वो इंडिया के हक में क्यों खड़ी हो गई, इंडिया की हमायत क्यों कर रही है? बेसिकली सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है और पूरी दुनिया की, ये वो मुल्क हैं जो चलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पे उनकी चीज़ें बिकती हैं, जो इंडिया उनसे इंपोर्ट करता है। चाइना सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर इशू यह है कि वो खुद सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चीज़ों का, तो वो इम्पोर्ट नहीं करता, बहुत छोटी थोड़ी चीज़ें जो वो इम्पोर्ट करता है। इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है इस वक्त दुनिया का बना हुआ, तो इन ममालिक के मफादात जुड़े हैं। सबसे बड़ी पावर इस वक्त दुनिया में पैसा मोनोपोली है पैसे की, तो उस वजह से ये मुल्क खड़े नहीं होते। इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, यानी कि जो हम हथियार कहते हैं,
हथियार का, तो ये वो मुल्क है जिनसे हथियार खरीदता है। तो अमेरिका इस वजह से खड़ा हुआ, यूके इस वजह से खड़ा हुआ, दूसरा पाकिस्तान ज़रा रशिया की तरफ भी जा रहा था, इस वजह से भी पाकिस्तान के खिलाफ आए। फ्रांस कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा जर्मनी खड़ा होता है, और फ्रांस और जर्मनी का आपस में वही इशू है, वही लड़ाई है जो पाकिस्तान और इंडिया की आपस में लड़ाई है। तो कभी भी पाकिस्तान के हक में फ्रांस खड़ा नहीं होगा, जर्मनी खड़ा हो सकता है। अब फ्रांस अगर इंडिया के साथ खड़ा हुआ तो सारी बात है, जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ देना है, लेकिन जर्मनी उतना स्ट्रांग नहीं है मार्केट में, ना वेपनरी के हवाले से, ना पैसे के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से। तो ये इंडिया के एक दूसरी सबसे बड़ी एक और वजह जो है वो ये है कि मीडिया को कंट्रोल करता है। जिस तरह हम नाम लेते हैं कि इसराइल पूरी दुनिया में मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, वो करता है पैसे के थ्रू। इंडिया इस तरह से कंट्रोल करता है कि सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स इंडिया के पास हैं, उनके यानी कि एक एक ग्रुप के पास 10-10, 20-20 चैनल्स हैं। हम नेशनल ज्योग्राफिक की बात कर लें, बेशक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ चैनल चलाने वाला वो इंडिया से चल रहा है, डिस्कवरी चल रहा है, फिर मीडिया के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सीईओज हैं वो सब इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। फेसबुक पर आप चले जाएँ, आप यूट्यूब पर, गूगल पर चले जाएँ, तो ये एक मोनोपोली बनी हुई है, हर तरफ पावर गेम है बेसिकली। हमदर्दी वाला यहाँ पर कोई चक्कर नहीं होता कि उनको किसी को, ना इंडिया के साथ हमदर्दी है, ना पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है, उनको है अपने मफादात के साथ हमदर्दी। और वो इस वक्त इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ के उनको फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ने तो पहले लग्जरी आइटम्स पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, जो पहले थोड़ी बहुत हम इंपोर्ट करते थे हमने वो भी बंद कर दी, तो उनको तो नुकसान होगा पाकिस्तान का साथ देकर। तो इंडिया के साथ फ़ायदा है, और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तान को हमेशा दुनिया में इस्लामिक लीडर के तौर पर देखते हैं, तो वो कभी भी एक इस्लामिक पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी मामले में। इंडिया एटम बम भी चला देगा तो इंडिया के साथ खड़े होंगे। आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीजंस तो मैटर करती नहीं है, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आती है या पॉलिटिक्स आती है तो वहाँ पे रीजंस मैटर नहीं करती, वहाँ पे किसी का होल्ड होना मैटर करता है। तो पाकिस्तान का टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की जैसी गवर्नेंस और जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त और टर्मोइल आया हुआ है, तो आई डोंट थिंक के पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कि अपनी प्रेजेंस को यूएन तक पहुंचा सके। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ मैटर करती है। तो मेरा यही चीज़ मैटर करती है कि जो जिसके पास जितना पैसा है भाई वो करेगा मैटर। आजकल के दौर के अंदर किसी के पास न्यूक्लियर आर्सनल होना वो भी चीज़ इतनी मैटर नहीं करेगी। हाँ, फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर तो इंडिया बहुत आगे भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, कि अगर हम लोग फेसबुक उठा लें, इंस्टाग्राम उठा लें, यूट्यूब उठा लें, गूगल, हर जगह तो इंडियंस बैठे हुए हैं। दे नो हाउ टू, यू नो, दे नो हाउ टू डिस्ट्रैक्ट एवरीथिंग। तो ऐसे ही चलते का पाकिस्तान की इतनी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू भी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा मुल्क डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ, अभी रिसेंटली फेटफ से बाहर निकले हैं अल्लाह अल्लाह करके, थैंक्स टू द इमरान खान, जो कि अभी क्रेडिट तो आकिब नवाज शरीफ ने ले लिया, बट स्टिल क्रेडिट गोज टू इमरान खान। तो अभी रिसेंटली फेटफ से बाहर निकले हैं, दुनिया हमें, दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, हमें डॉलर्स दे दो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर से बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है, डिफॉल्ट के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है, और उसके बाद हम लोग किसी को ये कह दें कि भाई हमारी रीजंस के ऊपर आप इसको टेररिस्ट करा दे, तो भाई कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। अच्छा नदीम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूएस के मुताबिक पाकिस्तान में 12 फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है यूएस के मुताबिक, लेकिन हम इंडिया का एक बंदा भी यूएन में रिकॉग्नाइज नहीं करवा पा रहे एज अ टेररिस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये इंटरनेशनल दुनिया में जो हमारी उसमें लश्कर तायबा है और इस तरह के दूसरे सिपाही साहबा है, और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको पाकिस्तान खुद भी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कहता है, इसके बावजूद के खास ग्रुप है जिसकी तरफ पाकिस्तान की थोड़ी हमदर्दी ज़रूर है, और उसको इस वजह से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता रहा, और पाकिस्तान इसमें डुअल रोल का भी पॉलिसी ओपनली पाकिस्तान अपनी बयान ही नहीं कर पाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। और जब आप इस तरह का रोल रखेंगे तो फिर आपको यूएस भी नहीं मानेगा। अच्छा, अब जो 12 ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, और ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर आप दहशतगर्दी भी देखें कि जितनी 80,000, इमरान खान एक फिगर बताते हैं कि 80,000 लोग दहशतगर्दी की जद में आए, और उसमें अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बजाय इसके कि माने इस बात को कि हमारे साथ मिलकर शाना बशाना पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हो, 2001 के बाद हमारी आर्मी ने उनके साथ टोटल मिलकर ये वॉर ऑन टेरर लड़ी,
और उसके बाद हमारा उसमें से 100 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को इन तमाम सालों में हुआ है। तो ये कितना बड़ा फिगर है कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो कि टोटली 10 बिलियन डॉलर 14 बिलियन डॉलर पे खड़ी हो, तो इसमें वो भी है जो कि एड आती रही है, वो एड का भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान का 100 बिलियन डॉलर है उसका वो भी नुकसान करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद हम इस काबिल नहीं हुए। US में हम इतना अंडरस्टैंडेबल बिल्टी हमारी उनके साथ नहीं बन सकी कि हम उनको आज इस बात पर मना ले कि हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी, हमारे लोग मरे हैं, तो आप जो लोग मारने वाले हैं इनके भी तो नाम आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम देते हैं उनका दें। अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स को भी उस टेररिस्ट लिस्ट में डालना चाहिए, उनके नाम डालना चाहिए। हमने करवाए हैं, हमने जिंदाल को रिकगनाइज़ करवाया है, हमने जो यहाँ पे कुलभूषण यादव था उसको हमने करवाया है उनके यहाँ पे आके, वो एक टेरर के लिए ही आया था ना, जो अभिनंदन आया था उसने भी यहाँ पे दहशत फैलाई, हमने भी रिकगनाइज करवाए हैं। रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, हफ्ते में कम अज़ कम एक खबर कराची से आती है कि राह का रिंग पकड़ा गया यहाँ पे। इशू ये है कि हमें उसको हाईलाइट नहीं करना आता इंटरनेशनल लेवल पर, वो बंदा रिकॉग्नाइज नहीं ना होता कि ये टेररिस्ट है। अभी मिसाल एक देता हूँ, जब ये अटैक हुआ है यानी कि एयर स्ट्राइक की इंडिया ने पाकिस्तान में, उसमें पहले बयान आता है कि 2 पायलट्स पकड़े गए, फिर कहा जाता है कि नहीं एक ही पकड़ा गया है, 2 ही थे, एक जन आम नॉलेज है सबको पता 2 ही थे, एक का ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं था, वो किसी और कंट्री का था, वो हमारे लोग हमारे इदारे खुद रख गए अपने पास। तो अब अगर इस चीज़ को वो मुद्दे को उठाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो वाला जो मुल्क है वो भी उसमें गंदा होगा, और उस मुल्क के साथ हम टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक, मैं थोड़ी देर पहले गुजरा था इसी तरह के एक इदारे के बाहर से, वहाँ दीवार पर लिखा था कि मोमिन जो है ना वो बेतेग भी लड़ता है, ठीक है, वो ईमान के जज्बे से लड़ता है, तो शायद हमारा ईमान का जज्बा वो नहीं रहा था इसलिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम रिकग्नाइज़ करवाने में इस वजह से नहीं कामयाब क्योंकि हम डरते हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है और हमारे मुताबिक हमें वेंटिलेटर वहाँ से लगे हुए हैं, हम अपने वेंटिलेटर के पाइप पे पाँव नहीं रखना चाहते। उस्मान, अगर हम बात करें टेररिस्ट की, तो टेररिस्ट अटैक हर कंट्री में होते हैं, टेररिज्म हर जगह होती है, दहशतगर्दी हर जगह होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ हम ही क्यों बदनाम है, पाकिस्तान को ही क्यों गंदा कहा जाता है, पाकिस्तान को ही क्यों एज अ टेररिस्ट कंट्री करार दिया जाता है? सबसे बड़ी पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने इस्लाम के साथ टेररिज्म जोड़ना है, और दूसरा बहुत बड़ी गलती हमारी अपनी है कि हमने अपने स्टेट के अंदर बता दिया कि हमारे यहाँ पे बहुत टेररिज्म है, बहुत टेररिज्म है, इमदादें बड़ी ली हैं, हमें इमदाद उस नाम पर मिलती थी, तो वो हमने खुद बताया है कि हम एक स्टेट हैं जो टेररिज्म में घिरी हुई है, हमारी मदद की जाए। हमने आलमी फोरम्स पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के कहा है कि हमारे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी है, हमारी मदद की जाए, जब हम खुद कह रहे हों तो वो तो पहले ढूंढ रहे हैं चांस कि हमने जो सबसे ताकतवर इस्लामिक कंट्री है दुनिया के अंदर उसको एक टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो हमने अफगानिस्तान के अंदर ये किया, अमेरिका का साथ दिया सिर्फ डॉलर्स के बदले में, और फिर अपने आप को टेररिस्ट कंट्री बनवा लिया, वो जो कभी मुजाहिदीन थे वो बाद में टेररिस्ट बन गए। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि आप मुअम्मर गद्दाफी को या फिदल कास्ट्रो को क्यों मिल रहे हैं, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो गलत लोग हैं, इंसानी हकूक के खिलाफ बात करते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अमरीका क्यों ये चाहता है, या इसराइल या UK क्यों ये चाहता है कि जो उनके दुश्मन हैं हम उनको अपना दुश्मन समझें, उनकी उनके साथ लड़ाई है होगी, इस वजह से वो उनको गलत कहते हैं, हमारी उनके साथ लड़ाई नहीं है। तो बेसिकली हमने लड़ाई किसी की लड़ी है, तो इस वजह से हम जो उन जिनको वो दहशतगर्द कहेंगे हमें उनको दहशतगर्द मानना पड़ेगा। और जब भी यहाँ पे टेररिज्म का वाबिला होता है हमें इमदाद मिलना शुरू हो जाती है, हमारे इदारे हम लोग खुद खुश रहते हैं अगर हम हमारे बारे में कहा जाए कि इस मुल्क में बड़े टेररिज्म। दोस्तों आप लोगों ने सुना भाई पाकिस्तान के हाल, पाकिस्तान खुद ये बात मानता है कि देखो जी इंडिया को है ना, हम इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ सकते, हम इंडिया का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। क्यों भी कैसा क्यों, क्योंकि पहली बात तो भाई देखो एक चोर किसी और को बोले कि ये चोर है तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पाकिस्तान UN में जाके सभी जगह जाके झंडे गाड़ रहा है कि भाई इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री है, एक आतंकवादी देश भारत है, या जिसका नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इतना प्यारा नाम है, कोई पागल भी यकीन नहीं करेगा इस पर। और जो दुनिया कह रही है पाकिस्तान है आतंकवादी मुल्क, उसको तुम मानते नहीं हो। बलूचिस्तान में इंडिया हमले करा रहा है, अरे भाई तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारे साथ ही रहते थे, तुम्हारी वजह से वो बागी हो गए, ठीक है, अब उसमें भी इंडिया का हाथ है। भाई सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे होता था, इसमें इंडिया का हाथ क्यों होता है? बांग्लादेश उनसे अलग हो गया, उसमें भी इंडिया का ही हाथ होगा। तो भाई समझ जाओ, नॉलेज रखा करो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, न्यूज़ देखा करो, अखबार पढ़ा करो, आपको पता लगेगा सच्ची बात का, सारी बातों का। अभिनंदन के साथ 2 पायलट तेज कर रख लिया, उसको भेज दिया, अरे भाई क्या ही लोग हो तुम लोग, गायब हो गया क्या वहाँ से, वो पब्लिक के पास बीच में तो था भाई, गजब है इन लोगों की, मतलब इंडिया को टेररिस्ट करेंगे भाई, सभी कंट्री आगे खड़ी हो जाएंगी इंडिया के लिए कि इंडिया का साथ हम देंगी, और तुम बोल रहे हो इंडिया को टेररिस्ट देश बनाने की कोशिश कर रहे हो।
हंसी आती है तुम्हारे ऊपर। दोस्तों आप लोगों की क्या राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।